और ये खड़ी है भाई अपनी रोल रॉयस। फर्स्ट इम्प्रेशन स्पॉट ऑन, और इतना कम चला हुआ और इतनी वेल मेंटेन्ड, अभी तक मैंने देखा तो नहीं है। कमेंट में बस इतना लिख दो, बस ले ये ला ले। हेलो दोस्तों, तो हम निकल पड़े हैं अपने मोटर होम की हंट पे। ये हमारी एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है जो हम फाइनली ले चुके हैं। और हमारी जर्नी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी हम आए हैं यहाँ पर मोटर होम देखने, सोच समझ के डिसाइड किया है कि भाई हम मोटर होम लेने लगे हैं। तो हमारी हंट जो है मोटर होम की वो स्टार्ट हो चुकी है, कि देख सकते हो कि ये मोटर होम इतनी एक्सीलेंट कंडीशन में है ना। तो यहाँ पर आपका ये किचन है पूरा, और यहाँ पर आपका टॉयलेट जो कि काफ़ी स्पेशियस है, शॉवर भी है। हमने ट्रेवल किया बाय एयर, बाय वाटर, बाय लैंड, पर हमें इस टाइम लग रहा है कि सबसे सही तरीका जो है ट्रेवल करने का, हमारा सपना है पूरे यूरोप को काफी जगह देखने का, और हमने अब सोचा है कि हम मोटर होम लेंगे। तो ये पहला मोटर होम हम देखने आए हैं, जो कि बड़ा अच्छी क्वालिटी और अच्छे बिल्ड से बना हुआ है। यहाँ पर पूरा किचन, आपका सिंक, फ्रिज एंड फ्रीजर, और फ्रीजर भी है यहाँ पर। यहाँ पर स्टोरेज है, डिफरेंट टाइप का। ये आपका हो गया पता है, ये है हीटर, गैस हीटर है। अच्छा हाँ। और ये यहाँ पे क्लोजेट आ गई, कबर्ड। ये यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं इसके, इसके कितने सारे कबर्ड्स, बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे बैठने का पूरा, और यहाँ पे इनका स्टोव है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा बिल्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ट है। मुझे यहाँ पे अवन, और यहाँ पे सारी क्लोजेट्स यहाँ पे भी हैं किचन की। Do you want to take for a drive around the chateau? Wait, test drive करनी तो जरूरी है ना। हम लें या ना लें वो बात अलग है। Let's give it a round. Ready up. To be honest, मैंने ये गाड़ी आज तक कभी चलाई नहीं है। This will be my first time. ये मोटर होम जो है ये नया नहीं है। हाँ। पुराना मोटर होम है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मैनुअल है, उन पे ध्यान से चलाना। इन मोटर होम्स की एक प्रॉब्लम होती है कि इनमें ना इनमें पीछे बैक कैमरा नहीं होता। कैमरा नहीं होता, फिर आप दिख रहे हैं ना पीछे से। इतनी बड़ी गाड़ी आज तक कभी चलाई नहीं है, दिख तो रहा है थोड़ा बहुत। बड़ा डर लग रहा है यार। ये ट्रक है, ट्रक गाड़ी स्मूथ है, मतलब जैसे था ना गियर बॉक्स सारे इसके स्मूथ है। अलमारी खुली है पीछे वाली। मोटर होम में इन चीजों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप जब आगे बैठे हो तो मेक श्योर करो कि पीछे सब दरवाजे खिड़कियां जो भी क्लोजेट्स वगैरह है वो सब अच्छी तरह बंद है। टेस्ट ड्राइव दी है, ऑब्वियसली उसको भी बेचनी है, और हम भी इंटरेस्टेड है खरीदने में, लेकिन है भी काफी। ये पीछे यहाँ पे भी बर्थ है सोने, मतलब यहाँ पे भी आप सो सकते हो। ऊपर काफी बड़ा डबल बेड है। अब मनप्रीत को पता चलेगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या है क्या नहीं है, चलाने में कैसी लग रही है। हमने चलाई थी, नहीं बिल्कुल नई गाड़ी थी। ये जो गाड़ी है ये एज्ड गाड़ी है। ये अभी हमने कोई माइंडसेट बनाया नहीं है, क्योंकि अभी हमने जस्ट अपनी ये जो मतलब जो मोटर होम देखने की जो जर्नी है वो स्टार्ट की है। अभी हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, अभी हम काफी ज्यादा मोटर होम्स जो एक्सप्लोर करने वाले हैं, और उसके बाद इवेंचुअली हम डिसाइड करेंगे कौन सा मोटर होम है जो सही है। बिकॉज यार ये भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और मोटर होम लेना कोई ईजी काम नहीं है, लाइक फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम देखते हैं, ये भी हमें अच्छा लगा है, बट शायद इससे भी अच्छा हमें इस प्राइस में मिल सकता है। तो देखते हैं कैसा रहता है, और आपको भी अपडेट्स साथ साथ दिखाते रहते हैं। एंड थोड़ा ये पुराना स्टाइल क्या है, जैसे कब कुछ रखना हो, बाकी मतलब ऑल इन ऑल सिमिलर ही है। ऑब्वियसली ये फीएट का है ये, और ये कुछ यहाँ सीडी प्लेयर लगा हुआ पुराना टाइप का। अब कैसेट भी लानी पड़ेगी वन पे, देखो सीडी चलती है यहाँ पर। अच्छा USB भी है। तो आप पीछे एक बार फिर देख सकते हो, ये पूरा किचन एरिया सब कुछ है यहाँ पे। और टू बी ऑनेस्ट काफी स्पेशियस है लगा हमें। हाँ। वो नहीं है कि छोटा है या कुछ है, काफी स्पेशियस है। नहीं नहीं ठीक है, दिल तो आ गया मेरा। एरिया वाइज, स्टोरेज वाइज अच्छा है, स्टोरेज वाइज अच्छा है। और नहीं मन भाई, अभी और देखते हैं, मुझे लगता है और देखना चाहिए। कितना चला हुआ है, 59 59,000 चला हुआ है। पहले पे ही नहीं वो करना, पहले अभी हम और भी देखते हैं यार, बिकॉज मोटर होम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन इटसेल्फ। तो ऐसे ही जल्दी जल्दबाजी में कोई भी मोटर होम लेना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन मनप्रीत को चलाने में स्मूथ लगा है। हाँ? अच्छा लगा है। पहली बार चला रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी ये चलाया नहीं है। टेस्ला चला रहा हूँ, उसके बाद मैं एकदम ये चला रहा हूँ, एक ट्रक है टाइप का। ये थोड़ा डिफरेंस तो फील होता ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पावर ओ अच्छी चीज है भाई।
क्या बोलते हो, ले लें? We'll decide. बताएंगे आपको. First impression, spot on. Obviously, इस age का motor home और इतना कम चला हुआ और इतनी well maintained. अभी तक मैंने देखा तो नहीं है. सोचते हैं. बताएंगे आपको. बाहर से देखो, यहाँ पे पीछे अपने bike वाइक अपनी mold करनी हो या cycle करना हो. If you can't see my mirror, I can't see you. यहाँ पे सारा इसका LPG वगैरह, grey water और वो. हाँ, ये उसके लिए. ये इसका front है. बहुत सारी विंटेज गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, जैसे पुरानी रोल रॉयस रखी हुई है. ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पुरानी विंटेज जो लोग शौकीन होते हैं चलाने के. वो देखो, वो एक गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है. अरे भाई, यहाँ पर आके ना पहली ऑप्शन देख के आए, और यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ना, साथ में खड़ी है रोल्स रॉयस. बाय बाय मोटर होम. और ये खड़ी है भाई अपनी रोल्स रॉयस. अपनी नहीं है, मतलब किसी की है ये सभी. वो तो पीछे लैंड रोवर की गाड़ी खड़ी है. ये पुरानी लैंड रोवर है. वो रहा हमारा मोटर होम. बाय बाय मोटर होम. और थोड़े मोटर होम देखते हैं, देन हम डिसीजन लेते हैं. मुझे सरप्राइज पता क्यों लग रहा है कि मतलब आज हमने पहला मोटर होम देखा और पहला ही इतना अच्छा मोटर होम. तो मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, अब और ज्यादा बढ़ गई हैं. पहला इतना अच्छा होगा तो और जितना देख जाएंगे उतने और अच्छे. अभी ये मोटर होम आप इमेजिन नहीं करोगे कितने साल पुराना होगा. ये मॉडल है 1999 का, तो मतलब आज चल रहा है 23 चल रहा है. तो ये 24 ईयर्स पुराना मोटर होम था अकॉर्डिंग टू 1993 का. नहीं सॉरी, 1999 का. 23 ईयर्स ओल्ड मोटर होम था वो. और कंडीशन इसकी थी एक नंबर. उसमें कोई शक नहीं, कंडीशन बहुत अच्छी, कंडीशन बड़ी अच्छी थी. पर हमें सिर्फ इतना ही हो रहा है कि भाई इतनी 23 साल पुरानी गाड़ी लेने का क्या मतलब है. मगर प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि यहाँ पर ना मोटर रूम की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि मतलब ये जो मोटर रूम था ना, ये 15 लाख रुपए का है. ये 15 लाख का मोटर रूम था. मतलब देखा जाए तो मोटर रूम के लिए तो सस्ता है 15 लाख का मोटर रूम, लेकिन 23 साल पुराना 15 लाख जो कि काफी ज्यादा है. तो देखते हैं क्या बनता है. अभी और भी सर्च करेंगे, आपको भी बताते रहेंगे. फिलहाल कुछ खाना पीना हो जाए. हमारी हर बात आके खाने पीने पर अटकती है. चलो आप खाना खाते हैं. आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा. सबसे पहले ये बताना कमेंट के नीचे, बताना है कि यार ये वाला मोटर होम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. इन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी ऑफर दी है, लेकिन बात ये है कि हम लें या ना लें ये डिसाइड हो रहा है. ऑफर तो प्राइस बड़ी अच्छी है, लेकिन मोटर होम की जो एज है ना, बस वो ही हमारे दिमाग में खटक रही है. तो प्लीज भाई थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आप ही थोड़ा हेल्प कर दो, लें या ना लें. कमेंट में बस इतना लिख दो, बस ले या ना ले. तो will... हमें बस इतना बता दो, ले या ना ले. चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय.